सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में, जो कि कार एक स्ट्रीट के एक नए वीडियो से रिलेटेड होने वाला है। और यहां पे हम आ चुके हैं पहाड़ियों के बीच में वेस्टर्न सियरा के एक नए रेस को लगाने के लिए, जिसका नाम होने वाला है पीक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं DC2 जोनी की डोज चार्जर लेके हम आ चुके हैं अपना इस रेस को लगाने के लिए। और इस वेस्टर्न सियरा में हमने डोज चार्जर को ही चूज करना सही समझा, क्योंकि डोज चार्जर जो है वो हमारा साथ बहुत पहले से देता आ रहा है। और इसको हमने क्लास 2 से शायद शुरू किया था, और क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 भी शायद गया था। तो डोज चार्जर मेरे को बहुत पसंद है, और ये जो है कि इसमें चार्जर लगा हुआ है, टर्बो चार्जर होने की वजह से हमें ये गाड़ी बहुत पसंद आती है। और इसी चलते हमने DC2 यानी कि डोज चार्जर को लेना सही समझा इस वेस्टर्न सियरा के क्लब के लिए। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसका जो कंट्रोल होता है ना, बहुत प्यारा कंट्रोल है। और यहाँ पे जो मोड़ आता है, या तो आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट वगैरह करना हो, या तो ब्रेक का समस्या हो, ये सब चीज़ में एकदम परफेक्ट मेरे को लगता है। बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिसको हम ले सकते थे, और यहाँ पे हम इस क्लब में उसको ऐड भी कर सकते थे और वो हमारे को सही भी रहता, लेकिन डोज चार्जर से अच्छा मेरे को कोई गाड़ी नहीं लगा, इसलिए मैंने डोज चार्जर को लेना सही समझा। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे इस रेस को हम जीतने वाले हैं, और ये जीत चुके हैं। तो थोड़ा सा भैया हमने यहाँ पे ट्रिक लगाया है, और यहाँ पे $5,000 80 XP में मिल चुके हैं, और 33 लेवल पे हम पहुँच चुके हैं, 34वां लेवल हमें जाना है। तो अगले रेस को हम लगाएंगे तो 34वें लेवल को भी हम पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लास्ट मोमेंट पे हमने ऐसा ठोकर मारा ताकि वो हमसे पीछे हो जाए, और हम जीत चुके थे इस रेस को। अब हम आ चुके हैं समिट स्प्रिंट रेस करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आ चुके हैं दो और मेंबर जो कि हमसे रेस लगाने वाले हैं। और यहाँ पे हमारी डोज चार्जर पीछे है, लेकिन अभी आगे हो जाएगी, क्योंकि हमें अपने डोज चार्जर पे पूरा पूरा विश्वास है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि डोज चार्जर ने अपना पोजीशन ले लिया है, और बहुत आराम से हमें चलाना होगा, क्योंकि इसमें जो है ना कि पिकअप भी ठीक ठाक है, स्पीड भी ठीक ठाक पकड़ लेती है, और जब ब्रेक मारना हो तो ब्रेक भी अच्छा खासा लग जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ब्रेक में, और स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है तो ब्रेक झटके में नहीं लग पाता, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ता ब्रेक लगाने का वैसा झटके में। तो यहाँ पे पहले से अगर आप ब्रेक हल्का हल्का लगाते रहेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आराम से आप मोड़ सकते हैं मोड़ पे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि बहुत छोटा रेस होने वाला है ये वाला। तो यहाँ पे 57% रेस हमने कंप्लीट कर लिया है, 60% कंप्लीट हो गया है, और वो जो दो मेंबर हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें हम आगे जाने देंगे नहीं। अगर एक बार वो आगे निकल गए तो फिर हमें इस रेस को हारना पड़ जाएगा, इसलिए उन्हें आगे जाने देंगे नहीं, और बढ़िया पोजीशन हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 90% ये रेस कंप्लीट हो चुका है, और इस रेस के भी विनर जो हैं वो हम हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये रेस हमने जीत लिया, $5,000 80 XP, और 34वां लेवल शायद हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि लेवल अप का रिवार्ड हमें $22,000 और 1-2 गोल्ड के रूप में मिला है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आ चुकी है एक हीरोइन, और लगाने वाले हैं हीरोइन से हम रेस। तो अगली रेस जो होने वाली है वो हीरोइन से होने वाली है, परफॉर्मेंस परसूट करके, अगर हमने बढ़िया प्रोनाउंस किया है तो, परफॉर्मेंस परसूट करके एक रेस है वो लगाने के लिए हम आ चुके हैं। और आ चुकी है पहली हीरोइन इस वेस्टर्न सियरा के क्लब की। तो यहाँ पे इसको हम ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा कोने में ढकेलना चाह रहे हैं ताकि उसकी गाड़ी हल्की सी मुड़ जाए और हम आगे निकल जाएं बड़े आराम से, फिर हम पोजीशन ले लेंगे अच्छा खासा। तो यहाँ पे ठोकते बजाते आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक आ चुका है तगड़ा मोड़, और यहाँ पे उसके आगे निकलने की चांस बन गई, और वो आगे निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम पीछे करेंगे उसको, और पीछा करते हुए हम उसको पीछे करेंगे, और ताकि हम इस रेस को जीत सकें। यहाँ पे देख सकते हैं मोड़ है, मोड़ होने के चलते ही उन्हें ब्रेक लगाना पड़ता है, जो हमारे अपोजिट वाले हैं
उन्हें ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने के चलते हम आगे बढ़ने की चांस मार सकते हैं वहाँ पे मोड़ पे ही, और सीधी रोड पे तो भैया उनको पीछे कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वेस्टर्न सियेरा में एक बढ़िया फायदा है कि आप अगर मोड़ पे पीछे हैं और मोड़ पे अगर पहुंच गए तो आप मोड़ पे बड़े अच्छे से चांस मार सकते हैं आगे जाने का। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 60% 70% रेस कंप्लीट हो चुका है और बहुत छोटा छोटा रेस आ रहा है इसमें वेस्टर्न सियेरा में। तो क्लास 2 का रेस है तो बहुत बड़ा रेस होगा नहीं, और ये क्लब जो है वो ऐड हुआ था नया अपडेट जो कि दिसंबर अपडेट में आया था, उसमें ये वेस्टर्न सियेरा का अपडेट आया था। उसमें आपने अगर अपडेट किया होगा तो आपको भी वेस्टर्न सियेरा करके क्लब देखने को मिला होगा। और इस अपडेट में हमें ये भी देखने को मिला था कि कुछ कार्स भी ऐड हुई थी, जिनमें से कुछ कार्स हमें अच्छी भी लगी हैं, जो कि BMW है लास्ट वाला। उसका स्पीड बहुत तगड़ा है, उसका पिकअप बहुत तगड़ा है और भारी गाड़ी है, तो मस्त गाड़ी है, लेकिन भागती उतना अच्छी खासी है नहीं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अगले रेस को लगाने के लिए हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक और 2 नए मेंबर आ चुके हैं इस रेस को लगाने के लिए। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमें आगे निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आगे निकलने की कोशिश में हम लगे रहेंगे और आगे निकल चुके हैं। सेकेंड पे हम आ चुके हैं और फर्स्ट पे हमें जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत तगड़ी रेस होने वाली है ये भी, क्योंकि भैया पिकअप बहुत तगड़ा तगड़ा वाली गाड़ी लेके आ गए हैं, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गाड़ी लुल्ल पड़ रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा दम लगाना पड़ेगा अपने गाड़ी में ताकि हम आगे निकल सकें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मोड़, जो कि हमने बताया था मोड़ पे हम आगे निकलने का चांस मार सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जैसे ही मोड़ आया वैसे ही हम आगे निकल चुके हैं, और यहाँ पे 70% रेस कम्प्लीट हो चुका है। बहुत सीधा रेस है, बहुत तगड़ा रेस है नहीं, और रोड भी बहुत अच्छा खासा है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 90% रेस कंप्लीट हो चुका है, और इस रेस को भी हम जीतने वाले हैं, और इस रेस का जो रिवार्ड होने वाला है वो होने वाला है $5,500 और 100 XP। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 2 किलोमीटर का ये रेस था, यानी कि 2031 मीटर का ये रेस था। और यहाँ पे भैया पेट्रोल हमारा खत्म हो गया है, 1500 रुपया दे के हमने पेट्रोल भरा लिया है, और यहाँ पे हम आ चुके हैं अगले रेस को लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रेस को शुरू कर दिया है, और शुरू होते ही हमने ढकेलने शुरू कर दिया है उसको कोने में ताकि हम अपना पोजिशन बना लें। तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा चालबाजी करना पड़ता है रेस को जीतने के लिए, क्योंकि उन लोगों की गाड़ियाँ जो होती हैं ना, वो एक बार आगे निकल जाती हैं तो फिर पीछे कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको पीछे ही रहने दें तो बहुत अच्छा रहता है। और इस यही चलते हम आगे पहले ही निकल जाना चाहते हैं ताकि पूरा रूट हमने अगर पोजीशन फर्स्ट पे निकाल दिया तो हमें रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 40% रेस हमने कंप्लीट कर लिया है, और 40% रेस में हमने पोजीशन फर्स्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे आ चुका है बढ़िया जंप करने वाला रूट, और शायद आगे हमें जंप भी करना पड़ेगा। तो ये हाँ, ये जंप वाला रूट आ चुका है, और ये हमने लगा दिया है तगड़ा वाला जंप, और वो चला गया है नीचे, और भैया रिस्पॉन होके आ चुका है दोबारा रूट पे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जंप था बहुत मस्त था, एक नंबर जंप मार के हमने आगे पोजीशन बना लिया है, और उसको अब आगे आने में बहुत समस्या आने वाला है। तो यहाँ पे इस रेस को भी हमने जीत लिया है, और आखिरी मोड़ है, आखिरी मोड़ के बाद हम इस रेस को जीत जाएंगे। तो पोजीशन हमारा फर्स्ट है, और 95% रेस हमने कम्प्लीट कर लिया है, और इस रेस का जो रिवार्ड होने वाला है वो होने वाला है $5,500 और 100 XP। साला हर जगह 5500 दे रहे हैं सब, इतना तगड़ा तगड़ा रेस भी दे रहे हैं, और मेहनत करके हम रेस भी कंप्लीट कर रहे हैं और 5500 खाली दे रहे हैं साले, क्या कहा जाए। तो यहाँ पे गाइज हम आ चुके हैं अगले रेस को लगाने के लिए, और जिस रेस का नाम होने वाला है रनवे वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दोबारा से कुछ नए मेंबर्स आ चुके हैं इस रेस को लगाने के लिए, और इस रेस में बहुत घनचक्कर वाला रोड है और बहुत तगड़ा तगड़ा मोड़ है, तो आगे निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे हम ठोकर मारे हैं, ठोकर मारने के चलते हम आगे निकलने की कोशिश में आगे सेकेंड तो हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट होना होगा। तो
तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि फर्स्ट होने के लिए भी हमने एक और बार मोड़ पहला मोड़ा, लेकिन साला कोने से सड़िया के वो निकल लिया आगे। इसको पीछे करना पड़ेगा, आगे वाला मोड़ पे हम इसको पीछे करेंगे जरूर, इसको आगे नहीं जाने देंगे, इसको ठोकेंगे बढ़िया और आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आगे हम निकल चुके हैं और 30% रेस कंप्लीट होने वाला है और इसको अब हम आगे जाने वाले देंगे नहीं, ठीक है। अगर आगे ही निकल गया तो ज़रा पीछे जाने नहीं देगा, अरे आगे जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 40% रेस कंप्लीट हो चुका है और आगे तगड़ा तगड़ा मोड़ आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत तगड़ा तगड़ा मोड़ है। तो उसी मोड़ पे उनको भी मौका मिलता है आगे निकलने का, उसी मोड़ पे हमें भी मौका मिलता है आगे निकलने का, पीछे जाने का। तो जो मोड़ है ना वही पूरा खेल पलटता है। तो वेस्टर्न सियेरा में यही तगड़ा वाला मोड़ जो है यही मेन टॉपिक है इसको ऐड करने का, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितना भी हमने रेस लगाया बहुत तगड़ा तगड़ा मोड़ था नहीं, और मोड़ था भी तो वह ड्रिफ्ट रेस के लिए था। ड्रिफ्ट रेस में आपको मोड़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है वेस्टर्न सियेरा में स्प्रिंट रेस। अब स्प्रिंट रेस भी हो रहा है कहाँ कि भैया ये जो रूट है वो ऐसा पहाड़ी वाला रूट है कि इतना मोड़ कि पूछने का नहीं। तो उस रूट पे हमारा जो रेस है वो हो रहा है, वो भी स्प्रिंट रेस हो रहा है। तो भैया वेस्टर्न सियेरा को ऐड करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि स्प्रिंट रेस कराया जाएगा पहाड़ी एरिया में, वो भी इतना तगड़ा तगड़ा मोड़ के बीच। तो इस क्लब को ऐड करने का जो मेन रीज़न था वो यही था। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आखिरी मोड़ आने वाला है और आखिरी मोड़ में हमें आगे का पोजीशन बनाए रखना होगा, नहीं तो आगे भैया निकल जाएंगे वो लोग, बड़ा पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अब इस रेस को हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इस रेस को हमने जीत लिया है और जो रिवार्ड मिला है वो मिला है $5,500 और 100 XP, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमने इस रेस को जीत लिया है, रिवार्ड भी हमें मिल चुका है और अब अगला रेस हमें लगाना होगा वेस्टर्न सियेरा का, जो कि होने वाला है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एक नई हीरोइन आ चुकी हैं, उनके लिए रेटिंग बढ़ाना होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचानें।